वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स जियोग्राफी के प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, प्लस जो आपका रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स जियोग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए। आपको पता है हर बार एग्जाम के अंदर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से देश के द्वारा किया जाता है। कॉटन का, वूल का, स्टील का, टंगस्टन का, ठीक है, बॉक्साइट का, ये सारे उत्पादन जो है कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा करती है। ये आपसे अक्सर ऐसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो सारे के सारे डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट डाटा के साथ हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे प्रश्न। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मोर देन 1/3 ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है 1/3 पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का क्रूड स्टील प्रोडक्शन कहाँ से आता है। फिर दूसरा प्रश्न है द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन, तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है, वो कहाँ पर है। दोनों प्रश्न का आंसर हम देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़े से फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। चाइना की मैं बात करूँ, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका क्रूड स्टील का। जी हाँ, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना क्रूड स्टील का, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ इंडिया की। इंडिया क्रूड स्टील प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर था, थर्ड स्थान पर था, ठीक है। लेकिन यदि हम अप्रैल 17 से फरवरी 18 तक के डाटा को लें, ठीक है, जिसमें उसने ग्लोबल प्रोडक्शन का 4.4% क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया है, जो कि क्या है 93.1 मिलियन टन्स है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने जापान को क्या कर लिया है, ओवरटेक कर लिया। यानी कि पहले दूसरे नंबर पर कौन था, जापान था, अब इंडिया दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर कौन आ गया है, जापान, और चौथे नंबर पर कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पाँचवें नंबर पर है रशिया। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गया वो कौन हो गया, चाइना हो गया, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे पे जापान, चौथे पे यूएसए और पांचवें पे रशिया। अब हम बात कर लेते हैं ऑयल रिज़र्व, प्रूवन ऑयल रिज़र्व की। देखिए, लेटेस्ट की बात करें 2017 जब स्टार्ट हुआ था, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिज़र्व है वो है वेनेजुएला के पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांटिटी मिलियंस ऑफ बैरल्स में दर्शाई गई है, 3,878 मिलियंस बैरल जो है रिज़र्व है वेनेजुएला के पास। दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया, जिसके पास है 2,66,455 मिलियन बैरल ऑयल रिज़र्व है। तो यहाँ पर आप दोनों प्रश्नों के आंसर हम डाटा के अकॉर्डिंग यदि दें, तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, चाइना, और दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, वेनेजुएला, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीनट आर द मेन क्रॉप ऑफ, निम्नलिखित में से पीनट जो है कौन से देश की मुख्य फसल है। चौथा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, ये आपको बताना है। दोनों प्रश्न के एक बार डाटा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो है इन दोनों प्रश्नों का आंसर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पीनट, यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा गया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। तो इसे ये पूछा गया कि कौन सी कंट्री की मेन क्रॉप है, तो इसका आंसर है जाम्बिया। जाम्बिया की जो है मेन क्रॉप है पीनट। यहाँ पर मैं फिर आपको बता देता हूँ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीनट इन वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहला आता है चाइना, जी हाँ, चाइना जो आप कह लीजिए पूरी टोटल प्रोडक्शन का लगभग 8.7 मिलियन मीट्रिक टन इसने प्रोड्यूस किया था। 2006 से जो है नंबर वन पर चाइना बना हुआ है। इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया दूसरे नंबर पर आता है पीनट प्रोडक्शन, ठीक है, ये होल्ड करता है लगभग 21% वर्ल्ड का जो ग्लोबल प्रोडक्शन होती है पीनट की, वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है यूएसए, ठीक है, यूएसए। तो यहाँ पर पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर इंडिया और तीसरे पर यूएसए। दूसरा मैं डिस्कस करता हूँ डायमंड प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर डायमंड प्रोडक्शन 2016 का डाटा हम ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे नंबर वन है वो है रशिया, ठीक है। यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो मिलियन कैरेट्स में दिया गया है, ठीक है। तो रशिया पहले नंबर पर है 40 मिलियन कैरेट के साथ, दूसरे नंबर पर है बोत्सवाना 20
9 मिलियन कैरेट्स के साथ, और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, और चौथे पे है डीआर कॉन्गो, और पांचवे पे है कनाडा। तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डाटा जो है कलेक्ट किया है, वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। रशिया के पास, यदि मैं बात करूँ लार्जेस्ट डायमंड रिज़र्व की भी, तो रशिया के पास है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड रिज़र्व, जो कि है 650 मिलियन कैरेट्स। तो लार्जेस्ट डायमंड रिज़र्व की बात होगी तब भी जो है आंसर आपका रशिया होगा, और प्रोड्यूसर की बात होगी तब भी आंसर आपका रशिया होगा। और फिर इसके बाद रिज़र्व की बात करूं मैं, तो सबसे ज़्यादा इसके बाद है दूसरे नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसके पास है 150 मिलियन कैरेट्स का जो है डायमंड रिज़र्व। तो जब भी बात होगी टोटल प्रोडक्शन की, रशिया है और रिज़र्व में भी रशिया, ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा इस डाटा के अकॉर्डिंग, पहला तो मैंने आपको बता दिया था। दूसरा, चौथे का आंसर होगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, तो होगा सी रशिया, ठीक है। बोत्सवाना कौन से नंबर पर था, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। रूहर बेसिन इज़ द फेमस इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ, जो रूहर बेसिन है वो फेमस इंडस्ट्रियल रीजन है जर्मनी का, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है रूहर बेसिन के बारे में। नेक्स्ट है, इन एरिया विद एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड स्लोपिंग हिल्स विच क्रॉप विल बी सेट आइडियल, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, स्लोपिंग हिल है इस टाइप की, तो किस टाइप की जो है खेती के लिए ऐसी ज़मीन या फिर ऐसा क्षेत्र होता है। तो आपने देखा होगा ऐसे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या उगाई जाती है, चाय, टी। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर मैं आपको टी प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वर्ल्ड की टॉप 5, यहाँ पर मैंने डाटा एकत्रित किया है, आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पर है चाइना, ठीक है, और दूसरे नंबर पर है इंडिया, और तीसरे नंबर पर है केन्या, चौथे पे श्रीलंका, और पांचवे पे तुर्की। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे इंडिया, और तीसरे पे केन्या, चौथे पे श्रीलंका, पांचवे पे तुर्की। नेक्स्ट बात करते हैं, विच सॉयल नीड्स लिटिल इरीगेशन एज इट रिटेन सॉयल मॉइस्चर। सॉयल मॉइस्चर को रिटेन कर लीजिए थोड़े से इरीगेशन से, वो कौन सी सॉयल है पढ़ भी रखा होगा आपने, मैंने बता भी रखा है आपको जियोग्राफी के चैप्टर के अंदर जब आपको टाइप ऑफ सॉइल्स करवाए थे। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, ब्लैक सॉइल। मोनोकल्चर इज़ अ डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ, मोनोकल्चर जो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का जो है करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। मोनोकल्चर मीन्स एक ही क्रॉप की जो है बड़े बहुत ज़्यादा लैंड के ऊपर जो है उसकी खेती करना, ठीक है, ऐसे मोनोकल्चर बोलते हैं। मोनोकल्चर इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग और ग्रोइंग सिंगल क्रॉप या फिर प्लांट की बात के लीजिए, लाइव स्टॉक स्पीसीज वराइटी ऑफ ब्रीड इन अ फील्ड और फार्मिंग सिस्टम एट अ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन जो है वर्ल्ड में कौन है ये आपको बताना। तो इसका भी डाटा जो है मैंने एकत्रित किया, मैं आपको बताना चाहूँगा। 2017 के अंदर जो इटली था, ठीक है, वो लीडिंग प्रोड्यूसर था वाइन का, जिसने 39 मिलियन हेक्टोलीटर वाइन प्रोड्यूस की थी। फिर इसके बाद था फ्रांस, जिसने 37 मिलियन हेक्टोलीटर वाइन प्रोड्यूस की थी। यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन कौन हो गया, इटली, ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन है, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, और यहाँ पर टॉप 5 वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्री में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले पे जो इटली, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे स्पेन, चौथे पे यूएसए, और पांचवे पे ऑस्ट्रेलिया। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ राइस एंड वीट इन द वर्ल्ड इज, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है राइस एंड वीट का पूरे वर्ल्ड में आपको बताना है। 11वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरेनियम सिटी। ये अगर यदि आपने मेरी अभी फिलहाल की वीडियो देखी होगी, यूरेनियम सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो जो है कौन किस कंट्री को श्रेय जाता है, कनाडा को, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ये मैं आपको आपके साथ पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ।
राइस और वीट के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड की लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग, सबसे पहले है चाइना, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे इंडोनेशिया और चौथे पे बांग्लादेश और पाँचवें पे वियतनाम। ठीक है, और हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री की इन द वर्ल्ड में बात करूँ तो चाइना है पहले नंबर पर, इंडिया है दूसरे पे, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे रशिया और पाँचवें पे फ्रांस। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, चाइना पहले नंबर पे आता है वीट की बात हो या राइस की बात हो, तो यहाँ पर मैम इस आंसर का आपका क्या होगा, चाइना, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप 11 लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री यदि आपसे पूछ लिया जाए तो लार्जेस्ट की मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा होता है कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है, कजाकिस्तान के अंदर, और दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया और चौथे पे नाइजर और पांचवें पे रशिया। यहाँ पर मैंने एक फैक्ट लिखा है इससे जुड़ा कि जो कजाकिस्तान है वो 39.3% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन का यूरेनियम खुद प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है कनाडा जो कि पूरी ग्लोबल प्रोडक्शन का 22% यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए किम्बरले इज फेमस फॉर, किम्बरले अफ्रीका के अंदर है जो कि एक डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है, तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। डोनबास रीजन इज फेमस फॉर, डोनबास रीजन किसके लिए फेमस है, डोनबास रीजन फेमस है कोल के लिए, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर कोल। डोनबास रीजन यूक्रेन के अंदर पड़ता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि कोल के लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। द कंट्री एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉफी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज, ठीक है, अब आपको कॉफी प्रोडक्शन के बारे में बताना है। जियोथर्मल एनर्जी इज बेसिकली, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस की जाती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 14वें क्वेश्चन के फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, टॉप कॉफी प्रोडक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, तो टॉप में जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, ठीक है, दूसरे नंबर पर है वियतनाम और तीसरे पे है कोलंबिया। इंडिया की बात करूँ तो वर्ल्ड में 7वें नंबर पर आता है कॉफ़ी प्रोडक्शन में, ठीक है, यहाँ पर जो डाटा दर्शाया गया है वो मेट्रिक टन्स के अंदर जो है कॉफ़ी प्रोडक्शन दर्शाई गई है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले नंबर पर है ब्राज़ील, दूसरे पे वियतनाम और तीसरे पे कोलंबिया। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो है ब्राज़ील। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सिंपल सी बात है पेट्रोलियम होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द सेकंड लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम आफ्टर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद सेकंड लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम आपको बताना है। यहाँ पर भी इससे जुड़े मैंने इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट नोट किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सऊदी अरेबिया जैसे इसने बताया पहले नंबर पर है जो कि वर्ल्ड का ग्लोबल का 17%, ठीक है, ग्लोबल एक्सपोर्ट इसके पास है सऊदी अरेबिया के पास, ठीक है, और जिसकी वैल्यू बनती है 133.3 बिलियन डॉलर, ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पर आता है रशिया जो कि वर्ल्ड का 11% ग्लोबल एक्सपोर्टर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू बनती है 86 बिलियन डॉलर, ठीक है। तीसरे नंबर पर फिर आता है इराक जो कि वर्ल्ड का 6.6% जो है ग्लोबल एक्सपोर्टर है, तो इसकी वैल्यू बनती है 52.2 बिलियन डॉलर, और फिर चौथे नंबर पर आता है यूनाइटेड अरब अमीरात और पांचवें पे आता है कनाडा। तो यहाँ पर जो सेकंड लीडिंग एक्सपोर्टर हो गया वो कौन हो गया, रशिया।
ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन हो गया? इराक। चौथे पे कौन हो गया? यूएई। ये यूएई चौथे नंबर पर है। और पांचवें पे कौन हो गया? कनाडा। चलिए ये मैंने आपको बता दिए टॉप फाइव ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। कॉपर की बात हो रही है, लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। इससे भी जुड़ा मैंने कुछ डाटा नोट किया है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। 2016 के डाटा की बात करें तो जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है चिली, जो कि 5500 टन, जिसने 2016 में कॉपर प्रोड्यूस किया था। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पेरू, तीसरे नंबर पर आता है चाइना, चौथे नंबर पर आता है यूएसए, और पांचवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री शुड बी मेनली लोकेटेड नियर द रॉ मटेरियल एरिया। कौन सी इंडस्ट्री को जो है नियर रॉ मटेरियल एरिया क्षेत्र के आसपास होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को जो है जो रॉ मटेरियल्स का एरिया होता है उसके नज़दीक होना चाहिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। टंगस्टन की बात करें तो सबसे ज़्यादा टंगस्टन प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, मैं आपको जो है डाटा लेटेस्ट 2017 के डाटा से बताऊँ तो पहले नंबर पर जिसने 79,000 मीट्रिक टन टंगस्टन प्रोड्यूस किया वो है चाइना। दूसरे नंबर पर आता है जिसने 7200 मीट्रिक टन टंगस्टन प्रोड्यूस किया 2017 में, वियतनाम। तीसरे नंबर पर आता है 3100 मीट्रिक टन के साथ रशिया। तो यहाँ पर आपको मैंने पहली जो है तीन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री आपको बता दी टंगस्टन की। तो पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पे है वियतनाम, और तीसरे पे है रशिया। रशिया कौन से नंबर पर है? तीसरे पर। लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इससे भी जुड़ा मैंने डाटा जो है इकट्ठा किया है। 2018 के डाटा की लेटेस्ट की बात करें तो पहले नंबर पर चल रहा है चाइना, जिसकी कैपेसिटी है पर डे की, जो इसकी डिमांड है वो है 84 लाख बैरल। ठीक है, 84 लाख बैरल पर डे जो है इंपोर्ट करता है। यूएसए की बात करूं दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी पर डे की जो इंपोर्ट करता है बैरल वो है 79 लाख। तीसरे नंबर पर आता है इंडिया, जो कि 49,30,000 बैरल पर डे इंपोर्ट करता है। और चौथे नंबर पर आता है जापान। तो पहले नंबर पर इंपोर्टर में कौन आया? चाइना। दूसरे नंबर पर कौन आया? यूएसए। तीसरे नंबर पर कौन आया? इंडिया। और चौथे नंबर पर कौन आया? जापान। ठीक है, तो ये डाटा आप नोट कर लीजिए। तो 22वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? चाइना। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ये लेटेस्ट डाटा आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। प्रोड्यूसर की बात हो रही है गोल्ड की, और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड की बात करें तो इसमें भी पहले नंबर पर है चाइना। ठीक है जी हाँ, इस पर भी पहले नंबर पर है चाइना, जिसने 455 मीट्रिक टन जो है सोना प्रोड्यूस किया है लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग। और दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 270 मीट्रिक टन सोना प्रोड्यूस किया है। और तीसरे नंबर पर आता है रशिया, जिसने 250 मीट्रिक टन सोना प्रोड्यूस किया है। और चौथे नंबर पर आता है यूएसए, जिसने 209 मीट्रिक टन
सोना प्रोड्यूस किया है। और पांचवें नंबर पर आता है कनाडा 170 मीट्रिक टन के साथ। तो पहले नंबर पर कौन आया? चाइना। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक फैक्ट यहाँ पर आपको मैंने नोट किया है लेटेस्ट, कि पहले इंडिया होता था ग्लोबल प्रोडक्शन का कंज्यूमर सबसे ज़्यादा गोल्ड का, लेकिन चाइना ने सरपास कर दिया इंडिया को। अब जो टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन, टोटल जो ग्लोबली कंज्यूम होता है सोना वर्ल्ड में, उसका अकेला 27.9% अकेला चाइना में होता है कंज्यूम। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है इंडिया, जो कि 26.5% कंज्यूम कर रहा है। तो दूसरे नंबर पर इंडिया है कंज्यूमर भी, और पहले नंबर पर चाइना है। प्रोड्यूसर में भी चाइना है और कंज्यूमिंग में भी चाइना है। ऑप्शन बी है राइट आंसर। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर का भी डाटा मैंने इकट्ठा किया है। देखिए, हार्वेस्टिंग जो हम नेचुरल रबर की करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैपिंग। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है टैपिंग। ठीक है, अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें, सबसे पहले नंबर पर है थाईलैंड, ठीक है, जो कि पूरी ग्लोबल प्रोडक्शन का 35.6% नेचुरल रबर प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया, जो कि पूरी ग्लोबल प्रोडक्शन का 27.3% नेचुरल रबर प्रोड्यूस करता है। और तीसरे नंबर पर आता है मलेशिया, जो कि पूरी ग्लोबल प्रोडक्शन का 8.8% प्रोड्यूस करता है। और चौथे नंबर पर आता है फिर इंडिया, जो कि पूरी ग्लोबल प्रोडक्शन का 7.9% नेचुरल रबर प्रोड्यूस करता है। तो पहले नंबर पर कौन आया? थाईलैंड। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर मलेशिया, और चौथे नंबर पर इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन एशिया। ठीक है, यूरेनियम की बात हो रही है, लार्जेस्ट एशिया की बात हो रही है सबसे पहली बात, तो आपको बताना है। एक डाटा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, 2014 में जो उज्बेकिस्तान था उसने 2400 टन यूरेनियम प्रोड्यूस किया था, और चाइना ने 1500 टन। ठीक है, तो पहले नंबर पर उज्बेकिस्तान, दूसरे पे चाइना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट की बात हो रही है, इससे भी जुड़ा आई थिंक मैंने डाटा नोट किया है, ये आपको मैं बता देता हूँ। बॉक्साइट से रिलेटेड वैसे जो लार्जेस्ट है बॉक्साइट का प्रोड्यूसर वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द लीडिंग वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है आपको बताना है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड की टॉप जो वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, सबसे पहले नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन की बात करें तो 25% अकेला ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जो कि पूरे वर्ल्ड का 18% प्रोड्यूस करता है। इंडिया की मैं बात करूँ, नौवें नंबर पर आता है, जो पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन का 2% प्रोड्यूस करता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, वो आता है थर्ड नंबर पर। तो पहली तीन है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया का नंबर आता है नौवां। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अब आपने फैक्ट डिस्कस कर लिए। तो पहले नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया 25% ग्लोबल प्रोडक्शन के साथ। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरेबल लैंड, एरेबल लैंड जो है लार्जेस्ट किस कौन सी कंट्री का है, इनमें से जो लार्जेस्ट एरेबल लैंड है वो है इंडिया का। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। और वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले स्थान आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, और दूसरा आता है इंडिया का, और तीसरा रशिया, चौथे का है चाइना, और पांचवें पे ब्राज़ील। ठीक है, एरेबल लैंड इज़ अ लैंड अंडर टेम्परेरी एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मल्टीपल क्रॉप एरिया आर काउंटेड ओनली वंस, टेम्परेरी मेडाउ फॉर मूविंग और पास्चर, लैंड अंडर मार्केट एंड किचन गार्डन एंड लैंड टेम्प्रेरी फैलो लेस देन 5 ईयर्स। ये डेफिनेशन है
इंटरनेशनल डेफिनेशन है एरेबल लैंड की, सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का है, दूसरा नंबर पर इंडिया का है। यहाँ पे देखिए यूएसए नहीं दे रखा है तो इसलिए ऑप्शन इंडिया हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ठीक है, चीनी का उत्पादन में सप्लायर भी और प्रोड्यूसर भी किसका स्थान है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाटा देख लेते हैं। सबसे पहला स्थान है मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री में, सबसे पहला स्थान है लाख टन में, ये डाटा दिया हुआ है। सबसे पहला है ब्राज़ील का, दूसरे नंबर पर आता है इंडिया का, और तीसरे पे यूरोपियन यूनियन का, चौथे पे चाइना आता है, पाँचवें पे थाईलैंड, छठे पे यूएस, मेक्सिको, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। तो सबसे पहला ब्राज़ील, पहली तीन कौन से हैं, ब्राज़ील, इंडिया और यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहला कौन सा है, ब्राज़ील, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ठीक है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, सिल्वर की बात हो रही है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्वर का कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए 2016 के डाटा की बात करें जो तैयार किया था यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने, तो सबसे पहले नंबर पर है मैक्सिको। ठीक है, सिल्वर प्रोडक्शन टन्स की बात करें तो 5600 टन्स के साथ मैक्सिको पहले नंबर पर है, दूसरे पर है पेरू, तीसरे पर है चाइना, चौथे पे है चिली और पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहला कौन है, मैक्सिको, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन द वर्ल्ड, जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो कौन सी कंट्री आपको बताना है वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर लेटेस्ट डाटा 2016 नवंबर 2016 के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, सबसे पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे पे है फिलीपींस, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे न्यूजीलैंड और पांचवे पे इटली। तो सबसे पहला स्थान किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। दूसरे पे है फिलीपींस और तीसरे पे इंडोनेशिया। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड, मछलियों के एक्सपोर्ट में सबसे लार्जेस्ट स्थान किसका है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है मछलियों का। यहाँ पर 2017 के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग बात करूँ सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले नंबर पर है यूरोपियन यूनियन, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे पर है नॉर्वे, चौथे पर है वियतनाम, पाँचवें पर इंडिया। ठीक है, अब देखिए यूरोपियन यूनियन का तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, दूसरे नंबर पर कौन है, चाइना, चाइना ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, नॉर्वे दे रखा है, नॉर्वे दे रखा है, तो यहाँ पर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नॉर्वे। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल इन द कोल इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन, सबसे ज़्यादा कोयले का जो रिजर्व है वो कौन से देश के पास है, सबसे ज़्यादा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लार्जेस्ट जो कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड की मैं बात करूँ प्रेजेंट में, जो कि 234.295 बिलियन टन ऑफ कोल की बात हो रही है एज ऑफ डाटा ऑफ 2012, अमेरिका के पास है 157.01 बिलियन टन के साथ, जो भी बनता है टोटल कोल रिजर्व का 18% उस वो है रशिया के पास दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 114.5 बिलियन टन्स के साथ जो कि ग्लोबल रिजर्व का 13% बनता है वो है चाइना के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास है पूरे ग्लोबल रिजर्व का 9% जो कि 76.4 बिलियन टन्स, और इंडिया जो कि है ऑस्ट्रेलिया के बाद जिसके पास 7% ऑफ ग्लोबल रिजर्व कोल है जो कि 60.6 बिलियन टन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको चार कंट्री बता दी, पहली यूएसए, दूसरी रशिया, तीसरी चाइना, चौथी ऑस्ट्रेलिया और पांचवी इंडिया, पांच कंट्री मैंने आपको पहले बता दी जिनके पास सबसे ज़्यादा जो है कोल रिजर्व है डाटा के साथ। यहाँ पर अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यूएसए, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, रशिया दूसरे नंबर पर है, चाइना तीसरे पर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड, कोकोनट नारियल कौन प्रोड्यूस करता है लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा, यहाँ पर लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे पहले नंबर पर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इज़ अ वर्ल्ड लीडर ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन, दूसरे नंबर पर है फिलीपींस, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड, थर्ड नंबर पर है इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। 2016 के डाटा की बात करें तो 119 मिलियन टन कोकोनट प्रोडक्शन किया था इंडिया ने,
153 मिलियन टन के आसपास किया था फिलीपींस ने और 183 मिलियन टन के आसपास किया था इंडोनेशिया। पहले नंबर पर कौन बना हुआ है? इंडोनेशिया। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। दूसरे पे बना हुआ है फिलीपींस, तीसरे पे इंडिया। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टाइटेनियम इन द वर्ल्ड, ये टाइटेनियम की बात हो रही है, लीडिंग प्रोड्यूसर को मैं आपको बताना है। चलिए बात कर लेते हैं चाइना, चाइना जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टाइटेनियम इन द वर्ल्ड 2013 की बात करें तो 1 लाख मीट्रिक टन की प्रोडक्शन के साथ चाइना ने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरी बात करें रशिया, 39,000 मीट्रिक टन के साथ 2013 में जो है रशिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और तीसरे स्थान पर है जापान। तो पहले नंबर पर कौन है? चाइना, ठीक है। अब चाइना इसके अंदर है नहीं। दूसरे नंबर पर कौन है? रशिया। तो इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा टाइटेनियम लीडिंग प्रोड्यूसर हो जाएगा ऑप्शन सी रशिया, ठीक है। चलिए छठे पे है इंडिया, ठीक है। इंडिया का स्थान है छठवां, 500 मीट्रिक टन 2013 में जो है टाइटेनियम प्रोड्यूस किया था इंडिया ने। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रोज वुड, रोज वुड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। यहाँ पर टॉप 10 लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसिंग कंट्री मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर इंडिया है, दूसरे पे बांग्लादेश है, तीसरे पे चाइना, चौथे पे उज्बेकिस्तान और पाँचवें पे नेपाल। तो सबसे पहली कंट्री कौन सी है लीडिंग प्रोड्यूसर? इंडिया, ठीक है। तो ये आपके इकोनॉमिक जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।